नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखते हैं गिटार कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। एक दिन बिक जाएगा फिल्म धर्म करम, इसे गाया था मुकेश जी ने, म्यूजिक आर डी बर्मन, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी। बहुत ही फेमस गाना है अपने समय का और बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट पेंडिंग रहा है। गाना एफ शार्प मेजर में है तो मैं बीट को बनाए रखने के लिए बार कॉर्ड्स में बजाऊंगा। वैसे आप इस गाने को अगर किसी भी वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करें तो आप देखेंगे गाना जो है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे जी मेजर में भी बजा सकते हैं। मैंने जो है एफ शार्प में बजाया है और मैं आपको लेसन के एंड में सारे कॉर्ड्स भी दिखाऊंगा, और चाहें तो ओपन कॉर्ड्स में बजा सकते हैं, और स्ट्रमिंग पैटर्न भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। गाने के सारे लिरिक्स और कॉर्ड्स गाने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और आज का लेसन में मेरा साथ देंगे माउतावगन यानी हारमोनिका पर अनुराग गंगवार जी। तो आइए देखते हैं एक दिन बिक जाएगा। तो आइए देखते हैं गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। एफ शार्प मेजर, बी मेजर, सी शार्प मेजर, इन तीन कॉर्ड से आपका प्राय पूरे गाने में काम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने डी शार्प माइनर भी यूज किया है और एक जगह ए शार्प माइनर भी यूज किया है। कई जगह मैंने सी शार्प सेवन भी बजाया है। अगर आप ये ना बजा पाए तो आप यहाँ भी बजा सकते हैं, और चाहें तो आप सी शार्प बजाएं। अगर आप ओपन कॉर्ड्स यूज करना चाहें तो केपो फोर्थ फ्रेट पे लगाएं और एफ शार्प की जगह डी मेजर में बजाएं। तो जहां जहां हमने एफ शार्प बजाया है वहां पर आप डी मेजर बजाएंगे, जहां जहां बी मेजर बजाया है वहां पर आप जी बजाएंगे, और जहां जहां हमने सी शार्प मेजर बजाया है वहां पर आप ए मेजर बजाएंगे। तो आप पूरा गाना चाहें तो डी मेजर, जी मेजर और ए मेजर में आप बजा सकते हैं। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लें। अगर आप बार कॉर्ड बजा सकें तो मैंने दो पैटर्न यूज किए गाने में। सबसे पहला पैटर्न ये रहा, जैसा कि आपने देखा मैंने कई जगह स्ट्रोक्स म्यूट किए हैं। अगर आप म्यूट ना कर सके तो आप यू भी बजा सकते हैं।
और एक पार्ट हमने यूज किया है गाने में, वो यूं है। और अगर आप ओपन कॉर्ड्स बजाना चाहें तो आप पूरे गाने में ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने सवाल और कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।